हाँ बेटा, छुट्टी का दिन तो ना बीवी के साथ गुजारना चाहिए। तुम ऐसे करो कि सामिया से मिलने चले जाओ। मुझे वाकई अपने होने वाले बच्चे को फरामोश नहीं करना चाहिए। अम्मी, अम्मी, सामिया, क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? नहीं, बस अजीब सी तबीयत सी हो रही है। बेटा, तबीयत कैसे अजीब सी नहीं होगी? इस हालत में यूं ही खराब नहीं हुआ करती तबीयत। ना कुछ खाती हो, ना पीती हो, ना अपना ख्याल रखती हो। अपना नहीं तो होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो सामिया, और कुछ नहीं तो मेरा ही सोच लो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। इस हालत में बीवियां शोहरों से लाड उठवाती हैं, 100 नखरे करती हैं। मियाँ और बीवी का रिश्ता तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है इन दिनों में, और तुम लोग। अम्मी, आपको अभी भी यही लगता है इन सब चीजों में मेरी गलती? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि औरत को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आपने हमेशा हम बेटियों को यही समझाया कि शादी का बंधन हमेशा बांध कर रख। मम्मी, आपने कभी बच्चों को रबर बैंड से खेलते हुए देखा? दोनों रबर बैंड को अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? जो आखिरी वक्त तक रबर बैंड को पकड़ कर रखता है। मैंने आखिरी वक्त तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, और देख, आज मैं तकलीफ में हूं, और वो वहां दूसरी शादी की तैयारी में।